हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का TCS पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग पॉलिटी के लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, पॉलिटी के लेक्चर का ये आज लेक्चर नंबर 2 है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कल हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के बारे में कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। और उन बेसिक बातों में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, और कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से एक देश का प्रशासन बेहतर तरीके से चलाते हैं। इतनी बातें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी, और भी बहुत सारी बातें थी जो आप, अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देख रखा है तो आपको कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आए, इसलिए आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए और पहला लेक्चर देख सकते हैं, फिर आप सेकंड लेक्चर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, आज का सेकंड लेक्चर जो बेसिक ही है, हम लोग बेसिक ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में, और ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेक्चर नंबर 3 है प्लेलिस्ट का, लेकिन सिलेबस का लेक्चर नंबर 2 है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज का लेक्चर का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो देश का संविधान होता है वो देश का संविधान या तो रिजिड हो सकता है और या तो फ्लेक्सिबल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एक देश का संविधान या तो कठोर हो सकता है और या तो वो लचीला हो सकता है। कठोर संविधान का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि इसमें बदलाव करना, इसमें चेंजेस करना ईजिली पॉसिबल नहीं होता है। जैसे वहाँ पे इतनी सारी कंडीशंस होती हैं कि भाई स्पेशल मेजोरिटीज चाहिए, या वहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, विशेष बहुमत के साथ साथ कुछ और भी कंडीशन लगा दी जाती है जिससे नॉर्मली संविधान देश का नहीं बदल सकता है। तो ऐसे संविधान की प्रकृति को आप रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या कठोर संविधान की प्रकृति मानते हैं। दूसरा जो आपके सामने लिखा हुआ है ये प्रकृति है फ्लेक्सिबल की, जिसे आप लचीला बोलते हैं, जो फ्लेक्सिबल है, जैसे कोई चीज़ आसानी से मुड़ जाए। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन किए जा सके, उन्हें फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपके पास कुछ उदाहरण भी है, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि भाई कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिजिड है। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है USA का, जिसके एग्जांपल भी मैंने नोट कर रखे हैं कि लगभग 200 से ज़्यादा, 230 231 साल हो गए इंडियन वो USA के कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, लेकिन आज तक उसमें केवल और केवल 27 बार अमेंडमेंट्स हुए हैं। आप इस बात को सोच के देखिए कि 200 साल का कॉन्स्टिट्यूशन और मात्र 27 बार अमेंडमेंट हुए हैं। इसका मतलब है कि अमेंडमेंट करना इतना ईजी नहीं है, जैसा कि अपने भारत में देख रहे हैं 70-75 ईयर्स में ही, मतलब मोर देन लाइक वी हैव कंप्लीटेड 70 ईयर्स, तो 70 साल में ही हम लोगों ने मोर देन 100 संविधान संशोधन कर लिए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये लचीले संविधान की प्रवृत्ति भारतीय संविधान की है। लेकिन अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो फ्लेक्सिबल है। मैंने भारत का एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखा कि अभी भारत के बारे में हम कुछ और बातों पे डिस्कस करेंगे। भारत का जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है और कहीं कहीं रिजिड भी है। तो इसलिए एग्जाम्पल में हम लोगों ने ब्रिटेन का संविधान लिख रखा है जो फ्लेक्सिबल है, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में USA। अभी हाल ही में UPPCS का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो UK वहाँ पे था, ब्रिटेन। एक बात देखिए मैंने बीच में लिख रखी है इंडिया के संविधान के बारे में। इंडिया का संविधान जो नेचर से कुछ पोर्शन पे रिजिड है, कुछ पोर्शन पे उसे बहुत सारी कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, इसलिए उसकी प्रक्रिया आसान नहीं है, तो उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कहते हैं। और कुछ जगहों पर आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसलिए भारतीय संविधान में दोनों चीज़ें हैं। कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है इट इज़ द ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड मतलब मिक्सचर, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी मतलब कठोरता एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब भारत का संविधान जो है वो एक तरीके से मिक्सचर है किसका, जिसमें लचीलापन भी है और जिसमें कठोरता भी है। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं, जैसे आप देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान, अभी हाल ही में GST का एक प्रावधान था जिसे लागू होने में कई साल लग गए, हर जगह से आपको विशेष बहुमत दोनों सदनों में चाहिए था, उसके साथ साथ राज्यों का विशेष बहुमत चाहिए था। तो इस प्रकार की कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता है, वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण है। और ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको आसानी से बदला जा सकता है, साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। अब देखिए, ये आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि ये साधारण बहुमत और विशेष बहुमत की बात क्या हो रही है। निश्चिंत रहिए, अगला वाला जो लेक्चर होगा वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एक्सप्लेन्ड व्यू में कि ये कितने प्रकार के बहुमत होते हैं, मेजॉरिटीज़ क्या होती हैं, और कौन से बदलाव में कब संविधान संशोधन करते समय कौन सा बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा साधारण बहुमत
होता है, कौन सा स्पेशल मेजॉरिटी होती है, कौन सी कंप्लीट मेजॉरिटी होती है, तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भारत का संविधान जो है वो कैसा है, रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन अगर आपको टेक्निकली ये देखा जाए कि ज़्यादा क्या है, तो ज़्यादा आपका फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा लचीला है और कम कठोर है। तो भारत का संविधान दोनों का मिक्सचर है, लेकिन मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, ज़्यादा लचीला और कम कठोर है। चलिए क्लासिफिकेशन में दूसरा पॉइंट जो आपको डिस्कस करना है वो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में करना है। कल मैंने थोड़ी सी बात आपसे करी थी वीडियो में कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लेकिन आज उसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन्ड व्यू में देख रहे हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखिए दिया गया है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कोडिफाइड हो, जिसको लिखा गया हो एंड कंपाइल्ड इन अ बुक, और उसे एक किताब के रूप में बना दिया गया हो। मतलब इसको मैं और तरीके से बता सकता हूँ कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक अटेम्प्ट में बनाया जाता है, एक अटेम्प्ट में मतलब एक बार में बनाया जाता है, और साथ ही साथ वो किसी एक संस्था द्वारा, जैसे हमारे भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है और एक निश्चित अवधि में बनाया गया है, एक बार में बनकर के तैयार हुआ है। तो इसलिए ऐसे संविधान जो कोडिफाइड और कंपाइल्ड इन बुक होते हैं, एक किसी किताब में बने होते हैं, उनको कंपाइल किया जाता है, एक बार में बनाया जाता है, किसी संविधान सभा के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे संविधान को हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान का उदाहरण है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत का संविधान मतलब विश्व भर का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है, तो जो यूएसए का संविधान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे पहला लिखित संविधान है। और आप जानते रहिए ये शॉर्टेस्ट भी है, सबसे कम लिखा हुआ मतलब सबसे छोटा संविधान है पूरे विश्व का, लिखित है और सबसे छोटा है। जबकि भारत का संविधान जो है इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लिखित संविधान है, ये 1787 में, डेट आप फैक्ट के लिए, जैसे प्रीलिम्स में एग्जाम होते हैं तो फैक्ट भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, इतने में 1787 में बनाया गया था। लेकिन जो फोर्स में आया, जो लागू हुआ, वो 1789 में लागू हुआ था। जो भारत का संविधान है ये रिटन है और सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि कौन कौन सी शक्तियां केंद्र के पास हैं और कौन कौन सी शक्तियां राज्यों के पास हैं। इसका मतलब ये है कि केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का विस्तृत वर्णन होने के कारण भारत का संविधान सबसे लेंथीएस्ट संविधान या लार्जेस्ट संविधान माना जाता है। अगली बात आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, इनेक्टेड होता है, मतलब उसे लिखा जाता है। तो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक बॉडी के द्वारा बनाया जाता है, कोई संस्था के द्वारा बनाया जाता है। तो जैसे भारत का संविधान है वो एक इनेक्टेड संविधान है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक कोई सभा है, एक कोई समिति है और उसके माध्यम से बनाया जाता है। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कंपाइलेशन नहीं होता, जो इसमें होता है कोडिफिकेशन नहीं होता उसमें, एक किसी किताब में नहीं बनाया जाता है, समय समय पढ़ने पर इसके बारे में अब रोज इवोल्यूशन होता है। कह सकते हैं कि इसमें जब भी आवश्यकता पड़ती है तब नए प्रावधान को जोड़ दिया जाता है, किसी भी प्रावधान को हटाया जा सकता है, नए प्रावधान को जोड़ा जा सकता है, ये हमेशा इवॉल्व करता है। ध्यान रखिएगा इसका इवोल्यूशन होता है, ये इनेक्टेड होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है, तो रिटन जो होता है वो इनेक्टेड होता है, और आपसे पूछा जाए इवॉल्व कौन सा करता है, तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व करता है। एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलिखित संविधान है, और वो अलिखित संविधान का उदाहरण है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण है। चलिए अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। हालांकि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट कि वहां पे जाइए और पहले वीडियो को देखिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने वहां पर फेडरल और यूनिटरी, जिसे आप संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था कहते हैं, मैंने वहां पे कंप्लीट डिटेल दे रखी है कि क्या क्या मेन डिफरेंस होता है। फिर भी मैं थोड़ी सी बात ये बताऊं कि जो भी देश फेडरल सिस्टम को अपनाता है, फेडरल का मतलब है संघात्मक, इसका मतलब इसमें चीज़ें एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, मतलब जो पावर्स होती हैं वो सेंटर में और स्टेट में, प्रोविंसेस में, स्टेट्स में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है
एकदम अच्छे से डिवीजन ऑफ पावर दिखता है, ये फेडरल है। यूनिटरी क्या होता है, पावर्स डिवाइड नहीं होती हैं। यूनिटरी का मतलब है सारी की सारी पावर एक किसी सेंटर में होती है, मतलब नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है, और वो चाहे तो वेस्ट करे, मतलब वो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को दे अपनी पावर, उसके ब्रांचेस बनाए स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे तो खुद रूल करे, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यूनिटरी एकात्मक है और यहाँ के संघात्मकता है। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख रखे हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इस देश का संविधान कैसा है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप चाहो तो अपने नोट में इसे नोट कर लो। यूएसए फेडरल सबसे बढ़िया संविधान माना जाता है, संघात्मक में उदाहरण अगर कभी दिया जाता है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका का दिया जाता है। हम इसी से कंपेयर करते हैं और ये पता करते हैं कि कौन से देश का संविधान जो है वो संघात्मक है कि नहीं है। ब्राज़ील, इंडिया के केस में थोड़ा सा भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, इस ये संघात्मकता भी लेके चलता है, ये एक्चुअली इसमें कुछ एकात्मकता भी होती है। जैसे हम लोग देखते हैं आपातकाल के समय सारी की सारी पावर सेंटर के पास हो जाती है, जबकि नॉर्मल सिचुएशन में हमारे पास स्टेट्स की अलग पावर है और हमारे पास केंद्र की अलग पावर है। हमारे जो शेड्यूल 7 है, अनुसूची नंबर 7 है, उसमें स्पष्ट विभाजन दिया भी गया है कि इतने विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, इतने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो हमारे भारत के संविधान में थोड़ा सा कहीं कहीं फेडरलिज्म भी दिखेगी, यूनिटरी भी दिखेगी। इसीलिए मैंने लिख रखा है कि भारत का संविधान पूरी तरह से फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल होने का मतलब है अर्ध संघात्मक है। ये जो है इसमें कुछ नेचर जो है फेडरल के भी मिलेंगे और कुछ नेचर यूनिटरी के भी मिलेंगे। आगे अगर बात करेंगे यूनिटरी के देश के कौन कौन से देश यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाते हैं, देखिए यूके मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, इसके भी पूरे एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा। इंडिया के बाद नेपाल है और पाकिस्तान, पाकिस्तान फेडरल सिस्टम को अपनाता है। भारत का जो संविधान है वो नेचर में कैसा है, क्वासी फेडरल है, मतलब नॉट कम्प्लीटली यूनिटरी एंड ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली फेडरल सिस्टम। चलिए आगे बात करते हैं इंडियन, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस ये करेंगे। आइए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देखा जाए, कुछ बेसिक्स हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय संविधान जो बना उसमें कुल 22 भाग थे एट द टाइम इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनके तैयार हुआ तो उस समय हमारे पास कुल 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। जो आगे चल के क्रमवार कैसे बढ़े, कौन कौन से भाग बढ़े, हम आगे के वीडियो लेक्चर में सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 भाग इसमें जुड़ गए और वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं भारतीय संविधान में, 25 भाग हैं, 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि मूल संविधान में जब शुरुआत हुई थी, जब बनी थी बना था संविधान, तो 8 शेड्यूल थे, मतलब 8 अनुसूचियाँ थी, जो आगे चल करके 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल 9वीं अनुसूची में है, जबकि दल बदल कानून जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है वो क्या कहते हैं 10वीं में है, 11वें के अंतर्गत ग्राम प्रशासन की बात है और 12वें के अंतर्गत नगर निगम म्युनिसिपैलिटीज़ का बात किया जाता है। इस प्रकार से चारों अनुसूचियाँ जुड़ी हैं, जब जब जुड़ी हैं हम हर एक चीज़ पर बात करेंगे। तो वो 12 शेड्यूल्स हैं, वर्तमान में 12 शेड्यूल हैं, शुरुआत में 8 शेड्यूल थे। भारत का संविधान का समय कितना लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनने में। भारत के संविधान में कितने सत्रों में, सत्र का मतलब है एक लंबी मीटिंग, मतलब सेशंस जिसे आप बोलते हैं, तो भारत का संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ, जिसमें 11 सत्र हुए थे, 11 सेशन हुए थे, 3 वाचन हुए थे। वाचन का मतलब है जैसे संविधान बनकर के तैयार हो गया तो ऐसा तो था नहीं कि एक बार बना और उसको तुरंत लागू कर दिया गया, उसे क्या किया गया कि संविधान सभा में पढ़ा गया, एक बार पढ़ा गया, फिर दोबारा पढ़ा गया, फिर 3 बार रिवीजन किया गया, तो उसे ही 3 वाचन कहा जाता है। तो 3 वाचनों में 11 सत्रों में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। हमारे भारत के संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपये का खर्चा आया, 64 लाख रुपये का, 64 लाख रुपीज़ का खर्चा आया। यद्यपि कहा यह जाता है कि हमने भारत के संविधान को पढ़ने के लिए 60 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा है, लेकिन हमने मात्र 10 देशों से अपने
संविधान के प्रावधान को लिया हुआ है। हमारे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ के हैं, तो हम लोग देखेंगे 10 देश ऐसे हैं जहाँ से हमने संविधान के प्रावधान को लिया है। और एक इसमें ब्रिटिश अधिनियम है जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ब्रिटिश अधिनियम का भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव रहा है, तो वो ब्रिटिश अधिनियम जो था वो भारत शासन अधिनियम 1935 था, जिसमें कुल 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। तो ये कुछ बातें थी, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो इस तरह से 10 देशों के संविधान से प्रावधान को लेकर के 60 से अधिक देशों को के संविधान को पढ़ करके हम लोगों ने अपना संविधान बनाया, क्योंकि हमारे मैक्सिमम संविधान ना दूसरे देशों के अच्छी बातों से उधार लिए गए हैं, इसीलिए अपने देश के संविधान को, भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है कि हमने उधार का थैला ले रखा है, हर जगह से चीज़ें ले रखी हैं। तो इतनी बात थी जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाननी थी। आइए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ बातों पर। देखिए, हमारे देश में, भारतीय संविधान में, या अपने देश की बात करते हैं, इंडिया में तीन ऑर्गन्स हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी। अगर हम बात करें लेजिस्लेचर का, जिसे बोलते हैं विधायिका, मतलब कानून बनाने वाली, तो आपके पास एक यूनिट है जो देश के कानूनों को बनाएगी। अच्छा, अगर देश के कानूनों को बनाया जाएगा तो निश्चित ही देश के कानूनों को लागू करने की भी एक बॉडी बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव है जो क्या करती है, कानूनों को लागू करवाती है। और इसीलिए जो कानून बने और जो कानून लागू किए गए वो बेहतर ढंग से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इस बात को पता करने के लिए हमारे पास एक जुडिशरी बनाई गई, न्यायपालिका बनाई गई। और ये तीन ऑर्गन्स माने जाते हैं अपने देश में इम्पॉर्टेंट। तो ये जुडिशरी क्या करती है, ये बैलेंस करती है, देखती है सही से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ गलत तो कानून नहीं बन गया है। ठीक है, आइए कुछ और बातों पे डिस्कस करते हैं। ये जो लेजिस्लेचर है, जिसको मैंने कहा था कानून बनाएगी, तो अपने भारत में कानून बनाने का अधिकार जो प्राप्त है वो पार्लियामेंट को प्राप्त है। पार्लियामेंट का मतलब संसद। तो भारत में जो कानून बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट को प्राप्त है, तो पार्लियामेंट को ही हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं। अब सारे लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। देखिए, मैं हर एक चीज़ आगे के लेक्चर्स में एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन कुछ बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं, आप जान लीजिए। पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति भी उसका अंग होता है, यद्यपि कि उसका सदस्य नहीं है। उसके पीछे क्या क्या कारण है हम लोग आगे चल के डील करते रहेंगे, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीन चीज़ों से मिलकर के पार्लियामेंट बनता है। और ये तीनों लोग सहायता करके, तीनों बॉडी सहायता करके पूरे नियम को बनाती है, लेजिस्लेचर का काम करती है। एक बहुत बेसिक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो लोकसभा में, जिसे आप लोकसभा मतलब जिसे जनता का सदन कहते हैं, जिस पे हम लोग जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करके अपने प्रतिनिधि को भेजती है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, तो हमने डिवीज़न करने के लिए जितने भी लोग केंद्र की संसद में होते हैं ना, हम उन केंद्र की सदस्य, संसद के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद, जैसे आप हिंदी में कहते हैं, तो वो चाहे लोकसभा का हो तो हम उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा कहेंगे, और जब वो राज्यसभा का होगा तो हम बोलेंगे मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो सांसद दोनों को बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, सेंट्रल लेवल पर है। और जबकि आप सारे लोग जानते हैं कि एक आपके यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर भी होती है, मतलब राज्यों में भी विधानसभा होती है, राज्यों में भी दो सदन होते हैं, सारे राज्यों में तो नहीं है, मात्र 7 ही राज्य में है जो दो सदन होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से 7 राज्य हैं जिसमें बाइकैमरल सिस्टम है, मतलब वहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, हमारे यहाँ एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, SLA, और एक बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आप सारे लोग जानते हैं, डिफरेंस बना रहे इसी के लिए यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग चुन करके जाते हैं उन्हें हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या MLA बोलते हैं, राज्यों के लिए है। जबकि जो लोग विधान परिषद में जाते हैं, उच्च सदन में राज्यों के, उन आदमी को हम लोग MLC बोलते हैं, M फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जबकि केंद्र वालों को क्या बोलते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते थे, सांसद बोलते थे। बेसिक है, लेकिन आपको जानना इसलिए आवश्यक है कि आगे के टॉपिक्स आपको समझ में आते रहे। थोड़ी और बातें करते हैं। देखिए,
मैंने एक सिस्टम लिख रखा है बाई कैमरल सिस्टम। बाई कैमरल सिस्टम, बाई का मतलब डबल हो जाता है, बाई कैमरल सिस्टम का मतलब है हिंदी में द्विसदनात्मक व्यवस्था बोलते हैं। मतलब एक केंद्र में भी हमारे यहाँ तो द्विसदनात्मक व्यवस्था है ही, हमारे यहाँ दो सदन है, लोकसभा है राज्यसभा है, राज्यों में भी दो सदन की व्यवस्था है लेकिन सारे राज्यों में नहीं है। कुल 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। मैंने आपसे कहा ही, आप कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे कौन कौन से 7 राज्य हैं। तो ऐसे राज्य, जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं कि अगर मान लीजिए आप यूपी ही देख लीजिए, तो यूपी में एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो ऐसे राज्य जहां पर दोनों सदन होते हैं उन्हें बाई कैमरल सीट्स कह सकते हैं, और ऐसे राज्य जहां पर दो सदन नहीं होते हैं, जहां पर एक ही सदन होते हैं, जहां पर दो सदन की व्यवस्था नहीं है, उसको हम लोग यूनिकैमरल सिस्टम कहते हैं। यूनिकैमरल मतलब सिंगल, ठीक है। और इसके आगे एक छोटी सी प्रक्रिया है, आपको जानना आवश्यक है, तो मैं आपको बताता हूँ इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। भारतीय संविधान में, भारत देश में इलेक्शन जो होता है वो बेसिकली दो तरह का है, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, आप समझते हैं, आपके भारतीय संविधान के प्रस्तावना के पहली लाइन में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब हर चीज़ें हम भारत के लोग से चालू है। इसका मतलब ये है कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई है तो वो वहाँ की जनता है, मोस्ट पावरफुल जो है वो जनता है, और जनता ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कराती है। तो ऐसा संविधान में लिखा है। इलेक्शन में जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब आप जनता सीधे भाग लेती है, जनता स्वयं डिसाइड करती है कि मेरा प्रतिनिधि कौन चुनेगा, कौन होगा। तो जब जनता जिस इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, स्वयं जाकर के वोट करती है, उस प्रक्रिया को डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती, आप सारे लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इलेक्शन होता है, विधान परिषद का इलेक्शन होता है राज्यों में, यहाँ पे आपको सीधे वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है, ऐसे प्रक्रिया को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, जहाँ पर जनता सीधे भाग नहीं लेती है। क्योंकि जनता सीधे भाग नहीं लेती इसलिए उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन भी कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन भी कहते हैं। प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव जो होता है हम इनडायरेक्ट इलेक्शन को ही कहते हैं, मतलब जितने भी प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाते हैं। तो इतनी बातें जो आपको मुझे बतानी थी आपके लेक्चर में, और ये आज का लेक्चर नंबर 3 है जो कंप्लीट होता है पॉलिटी के बेसिक्स के बारे में। थिंग्स आर नॉट येट कंप्लीटेड, एक आध दो बातें बची रह गई हैं जो हमें आपसे डिस्कस करनी है, ठीक है। और डिस्कस करने के बाद एक पॉइंट छूट रहा है, इसको भी डिस्कस कर ही लीजिए। एग्जीक्यूटिव जो है, मैंने आपको लिख रखा है कि दो प्रकार का एग्जीक्यूटिव है, जब कानून बन जाएगा तो लागू करने वाले दो लोग हैं, एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक जो कार्यकारी लोग होते हैं, और दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो भाई, राजनीतिक एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है ऐसे लोग जो राजनीति से आते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री आएगा तो एग्जीक्यूट वो इलेक्शन के माध्यम से आएगा, प्रेसिडेंट होगा वो भी इलेक्शन से होगा, ये सब टेम्पररी होते हैं। एग्जीक्यूटिव तो हैं, लागू तो करेंगे चीज़ों को, लेकिन टेम्पररी हैं, 5 साल बाद अपने टेन्योर खत्म होने के बाद री इलेक्ट होंगे। लेकिन कुछ परमानेंट बॉडीज़ होती हैं ना, जैसे IAS ऑफिसर आप समझते हैं, ये परमानेंट बॉडीज़ हैं, तो परमानेंट बॉडीज़ को आप बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। तो ये कंप्लीट स्टोरी थी जो आपको जाननी थी आज बेसिक्स के लेक्चर नंबर 3 में, और इसके आगे की थोड़ी सी बातें जो भी हैं हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और अगले लेक्चर के लिए तब तक इंतज़ार करिए। एक बात का विशेष ध्यान ये रखिए कि अगर आपको कंटेंट्स थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस लेक्चर को पढ़ने से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है, तो ऑनेस्टली अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है तो नॉट फोर्सिंग यू, लेकिन अगर आपको ठीक लग रहा है, आपको लगता है कि इससे दूसरों के लिए भी बेहतर हो सकता है, तो जितना हो सके इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए TCS पाठशाला से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।